क्या हाल है भाई लोगों। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मैं आपको बताऊंगा कि घर जो गाड़ी के एम्पलीफायर हैं उनको घर पे कैसे कैसे चलाया जाता है। वैसे तो बहुत वीडियोस हैं इंटरनेट पे, बट क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ जो पर्सनल मैसेज भेजते थे, भैया आप भी बताओ, तो आज मैं ये लेकर आया हूँ सप्लाई। ये देखो, ये सप्लाई है। तो इस सप्लाई का यूज़ करके हम घर में अपना होम थिएटर बना सकते हैं गाड़ी के एम्पलीफायर्स को यूज़ करके। तो चलो देखते हैं कि सारा जुगाड़ ये कैसे करना है। तो वीडियो लंबी होने वाली है, ध्यान से देखना। हर एक चीज़ को टेस्ट किया है, स्पीकर को, सब वूफर को, हर एक चीज़ मैंने टेस्ट किया है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो कि वाटरप्रूफ सप्लाई लेकर आया हूँ मैं घर में सिस्टम चलाने के लिए। तो आपने इनकी वीडियोस बहुत देखी होंगी इंटरनेट पे, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं लेकर आया था तो मैं सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो ये देखिए, ये है हमारी सप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है रेन प्रूफ, बाकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। तो मैं लेकर आया हूँ 12 वोल्ट 60 एम्पियर की। तो इस पे ये जो लिखा हुआ है 12 वोल्ट 600 A, एक्चुअली ये 600 A मतलब 600 वॉट्स है। तो ये अराउंड 600 वॉट्स को संभाल लेगा। चलो, लिखा हुआ है 600 वॉट्स, बेसिकली लिखा ही होता है, ये इतनी पावरफुल कुछ खास नहीं होती, बट ये घर का सिस्टम चलाने के लिए ठीक है। तो यहाँ देखो आप, लिखा हुआ है 12 वोल्ट 600 वॉट्स। तो मोटा मोटा लगा के चलो कि ये 400-500 तक झेल जाएगा, मतलब इतनी देगा हमारे 4 चैनल पे। तो ये है सप्लाई भाई लोगों। तो अब आप सोचोगे कि मैं चलाना क्या है इसके ऊपर, तो मैंने जो चलाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों, हम चलाएंगे इसके ऊपर हमारा ये है एक 4 चैनल एम्प, जैसा कि आप देख सकते हैं, GMD8604 क्लास FD का एम्पलीफायर है ये। ये देख सकते हैं आप, सारा डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। अब हम मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं इसमें है क्या क्या। ये देखो, ये है लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड, ठीक है। और ये अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दिया हुआ है। ये आप किसी भी नेगेटिव से उठा सकते हो, किसी भी पॉजिटिव से उठा सकते हो, ये अंदर से ब्रिज ही होते हैं। आप चाहे एक पॉजिटिव यहाँ से ले लो और एक नेगेटिव यहाँ से, कोई भी ले सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें चलानी है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ से उठा लो, दूसरी के लिए दूसरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव यहाँ से उठा लो। तो फिलहाल तो मैंने एम्पलीफायर ही चलाना है, हेड यूनिट नहीं चलाना, क्योंकि इनपुट मेरी टीवी से आएगी, अपनी LED से, ठीक है। तो ये उठाकर, ये हैं इसमें जो इसके कनेक्टर्स हैं। तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ लगेंगी। तो भाइयों, वायरिंग मैंने कर दी है, तो आपको कुछ डिटेल में समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है प्लस और माइनस, यहाँ आप कहो लाइव और न्यूट्रल, ये है हमारी मेन पावर सप्लाई। ये देखो गई 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 गई, ये वो मेन पावर सप्लाई में जा रही है हमारी, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर, इसके बीच में लग गई लाइव और न्यूट्रल में, ठीक है। और ये जो है मोटी वायर्स, ये जो आप देख रहे हो, ये आई गेस 8 8 mm की है, 8 या 6 mm की हैं। तो मैंने टेप चढ़ाई हुई है तो पता लग जाता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इसको हमने एक पॉजिटिव में लगा दिया, एक नेगेटिव में लगा दिया। किसी भी पॉजिटिव का, किसी भी नेगेटिव आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये वायर होती हुई जा रही है हमारे 4 चैनल एम्प में। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पावर।
पावर में हमारी गई है यहाँ से पॉजिटिव, और ये जो ग्राउंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं फोकस कर दूँ। हाँ, तो ये जो ग्राउंड है ये है हमारे सप्लाई का नेगेटिव, और ये जो हमारा एस कंट्रोलर लिखा हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे, जो पावर वाली है ये वाली पावर वाली, इसमें से इसमें ब्रिज कर देंगे हम दोनों, क्योंकि ये रिमोट वायर ही होती है। तो मैंने वो 2.5 mm की दो ले ली ताकि थोड़ी मोटी हो जाए, क्योंकि ये वाली मुड़ के इसमें लग नहीं रही थी। तो आप ये कनेक्शन देख सकते हो इनका, ये देखो, देख लिया आपने। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारी जा रही है एम्पलीफायर में, ये हमारी आ रही है मेन सप्लाई से, और ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ऑन करके, ऑन भी तो कर लेना तभी तो पता लगेगा, ऑन करें देखते हैं चलता है कि नहीं। तो चलो अब इसको हम करते हैं ऑन। तो पहले तो प्रोटेक्ट की लाइट आ रही है, ये देखो अब ब्लू लाइट आ गई, ये देखो, इसका मतलब हमारा एम्पलीफायर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें से स्पीकर वायर निकालेंगे और चलाना शुरू कर देंगे। पीछे से आएगी इनपुट जो कि मैं दूंगा एलईडी से। तो भाइयों हो गया भाई, हो गया हमारा सेटअप हो गया। तो इस चिड़िया की हम बाद में लेंगे चलाने के बाद। तो फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा लग गई है पावर सप्लाई, जिसको पावर मिल रही है यहाँ से, ये जुगाड़ कर दिया। और ये है इसके कनेक्शन जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो फिलहाल मेरे पास सिंगल आरसी है, ये जो हमारी एलईडी से आ रही है, ये देखो, ये मैंने खुद बनाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे बनाई थी। तो फिलहाल ये चैनल ए में लगी हुई है इसके, ये देखो, और हमने चैनल ए को कर दिया है एलपीएफ पे, क्योंकि फिलहाल हम एक सबवूफर चलाएंगे, ये वाला 8 इंच का। जो वोकल्स है वो हमारा इससे आएगा, सिर्फ एलईडी से, वोकल्स हमारी एलईडी से आएंगी, बेस हमारी इससे आएगी। तो मैंने सिर्फ बेस को टेस्ट करने के लिए चैनल ए में आरसी लगा दी है, और गेन मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है इसका, और इसको कर दिया एलपीएफ पे, क्योंकि हम बेस चला रहे हैं इसीलिए हम इसको एलपीएफ के करेंगे। तो ये है चैनल ए। तो ये वायर है हमारी जो सबवूफर में जा रही है ब्रिज करके, ये देखो, ये अंदर गई सबवूफर के, यहाँ से ब्रिज करके ये सबवूफर में जा रही है। तो अब हम सबवूफर को चलाएंगे, वोकल्स हमें मिलेंगी एलईडी से, और बेस हमें मिलेगी इस 8 इंच के सबवूफर से। तो चलो अब हम ऑन करते हैं अपना एलईडी, एलईडी तो ऑन ही है, सॉन्ग को। तो भाइयों सबवूफर तो चला दिया, अब ये कैसे हो सकता है कि हम स्पीकर ना चलाएं। तो अब हमने, मेरे पास ये एक पुराना पड़ा था, तो भाइयों ये इसमें है सीए के 150 आरएमएस के मिड्स, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी लाऊंगा, और इसके साथ ही मैं सेटअप करूंगा इसका, एक सबवूफर। तो भाइयों ये कैसे हो सकता है कि मैंने सबवूफर चला दिया, अब आपको स्पीकर भी चला के दिखाऊंगा। अब ये मेरे पास पुराना एक पड़ा था स्पीकर डीडी का रेड लाइन, तो ये जो बॉक्स है इसमें है सीए के 150 आरएमएस के मिड्स, इसको मैं जल्दी अनबॉक्सिंग करूंगा, और इसका ही सेटअप मैंने बनाना है इसके साथ। तो हमने क्या किया, अब इसको हमने नॉर्मल प्लस माइनस में लगा दिया है, ब्रिज नहीं लगाना है स्पीकर के लिए, नॉर्मल प्लस माइनस में इसको लगा दिया, क्योंकि ये बहुत हल्का स्पीकर है इस एम्पलीफायर के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, अब पीछे आएंगे हम, पीछे आकर ये जो हमारा एलपीएफ पे था इसको हम ऑफ पे कर देंगे, ऑफ मतलब फुल होता है। एचपीएफ पे तब करते हैं जब आपके ट्विटर लगे हों,
ठीक है, अभी हम ऑफ कर देंगे और इसका गेन भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा क्योंकि वो स्पीकर बहुत ही हल्का है तो कहीं फटी ना जाए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी मैं ले जाऊंगा अराउंड 60 के करीब, ठीक है। तो हमारी ये सेटिंग हो गई। अब हमारा स्पीकर चलाने के लिए जो क्रॉस ओवर है वो ऑफ पे है और गेन थोड़ा सा ही बढ़ाया मैंने, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। तो अब हम इसको स्पीकर को भी चला के देखते हैं इसके ऊपर, करते हैं ऑन। तो ये देखिए शुरू हो गया चलना। मैंने गेन ज्यादा नहीं बढ़ाया, उड़ ना जाए कहीं। एक देसी वाला भी चला के देखते हैं। ये वो जो वूफर मैंने पैनासोनिक का मेरे होम थिएटर से निकाला था ना, अब लगे हाथ ये भी चला लेते हैं, ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कैसा चलता है, क्योंकि एक्चुअली में ये है वूफर, ये स्पीकर है, ये वूफर है, तो इसमें से देखते हैं कैसी आवाज आती है। नाइस नाइस। तो मैंने सोचा हेड यूनिट भी अटैच कर दिया जाए। तो हेड यूनिट कैसे अटैच किया, ब्लैक वायर को हमने लगा दिया इसके नेगेटिव पे, और ये जो रेड और येलो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये जो कलर कोडिंग है ये हर एक हेड यूनिट में सेम होती है, ये हमने रेड और येलो कंबाइन करके इसको लगा दिया हमने इसके पॉजिटिव में। तो ब्लैक वाली जाएगी नेगेटिव में और येलो और रेड दोनों कंबाइन होके जाएंगे पॉजिटिव में। तो स्पीकर की वायर मैंने यहीं पे लगा दी है, देखो स्पीकर की वायर इसी से लगा दी। तो अब चलाते हैं इसको। तो भाइयों अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो उसके लिए डबल शुक्रिया आप लोगों का। तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।